यू कैन लिंक यूएस इंडिया जो भी आप सीधा बता दो। 1957 में क्या हुआ, ईरान स्टार्टेड न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसकी हेल्प की थी विद द हेल्प ऑफ यूएस, ठीक है। अराउंड 2002 अपोजिशन इन ईरान, ईरान में जो अपोजिशन थी, दे सेड दैट ईरान इज एनरिचिंग यूरेनियम। अब आपको एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम का पता है तो मैं आगे देखू, अदरवाइज है कोई नॉलेज क्या? वो न्यूक्लियर बम के लिए सेंट्रीफ्यूज, हाँ जी, 4% देते हैं, 4% फोर्टा निकल जाओ। सेंट्रीफ्यूज पता है, पहले तो बहुत समझा ना, अगर आपको एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम क्लियर होगा ओनली देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सी एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम होता क्या है, नेचुरल यूरेनियम कंटेन 0.7% ऑफ यूरेनियम 235। नो दिस यूरेनियम 235 इज नीडेड फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर एंड न्यूक्लियर बम। बाकी का क्या होता है, यूरेनियम 238, क्लियर। सो इट मींस दैट इफ आई टॉक अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर, फॉर एग्जांपल ये आपके पास नेचुरल यूरेनियम है, यू नीड टू मेक अ न्यूक्लियर रिएक्टर, तो आप क्या करोगे, यू नीड अ 4% यूरेनियम 235, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्टर दैट यू नीड अ 4% ऑफ यूरेनियम 235। इट मींस यू हैव टू एनरिच दिस, इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। एंड इफ यू वांट टू मेक अ न्यूक्लियर बम दैट इज 90% ऑफ यूरेनियम 235, क्लियर। इतना क्लियर। नाउ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, राइट, उसका पूरा विजिलेंस होता है ऑन दिस ऑल रिएक्टर्स कि ये रिएक्टर कहीं 4% से ज़्यादा एनर्जी करके 90 पे तो नहीं चलेगी। इफ दे शिफ्ट टुवार्ड्स अ 90 तो प्रॉब्लम क्या आएगी, न्यूक्लियर बम भी दे एंड अल्टीमेटली कुछ भी हो सकता है, राइट। सो प्रॉब्लम विद द ईरान वाज देयर। 1957 में क्या हुआ था, यूएस ने स्टार्ट किया न्यूक्लियर रिएक्टर, राइट, बाय प्रोवाइडिंग अ न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी एज वेल एज मटीरियल यूरेनियम 235 टू ईरान। बट विद द टाइम ईरान स्टार्ट एनरिचिंग एंड ट्राइंग टू शिफ्ट फ्रॉम अ 4% टू 90%। अब ये पूरा केस है। नाउ हाउ द एनरिचमेंट विल टेक प्लेस, सी जो नेचुरल ओर है, नेचुरल ओर बी कन्वर्ट इनटू द येलो केन, यहाँ से येलो केन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, गैस, ठीक है। नाउ व्हेन यू कन्वर्ट दिस इनटू गैस तो आप उसको सेंट्रीफ्यूज में डालो। सेंट्रीफ्यूज इज जस्ट लाइक दिस, ठीक है। नाउ व्हेन यू पुट अ गैस इन दिस, तो यहाँ पर कौन कौन सी गैस है, वन इज यूरेनियम 235, अनदर वन इज यूरेनियम 238, ठीक है। अब ये गोल गोल घूमेगा, तो व्हेन इट रोटेट द वेरियस गैसेस इन दिस वे इट विल पुश आउट यूरेनियम 238। अभी कैसे, इट विल पुश आउट द हैवियर गैस, ठीक है। दिस इज अ सेंट्रीफ्यूज, नॉर्मल लैब में भी होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह वहाँ पर, बट दिस इज एट अ बिगर लेवल। नाउ इट मीन दैट यू आर लेफ्ट विद द यूरेनियम 235। अब ऐसा नहीं है कि होगा, अराउंड 5000 विल बी देयर, ऐसे इंटरकनेक्टेड होंगे। अब एक से दूसरे में जाएगी, दूसरे तीसरे और फर्दर प्यूरीफाई होगी, अल्टीमेटली यू विल गेट अ हायर अमाउंट ऑफ अ यूरेनियम 235, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूज।
तो आपको प्रीलिम के लिए क्या याद करना है, दैट व्हाट इज द लिमिट फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर एंड न्यूक्लियर बम एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 235 इन नेचुरल फोर। क्लियर? डन, इसके हो गया था, कर दूँ अब। न्यूक्लियर बम का कितना? 90%। क्या हुआ? नेक्स्ट रोड जैसे हम रॉन्ग चीज़ें निकालते हैं, जैसे हमारा डायमंड होता है उसकी वो होती है नेचुरल, जो परफ्यूम से निकालते हो दैट इज़ अ नेचुरल, उसमें इसकी परसेंटेज बहुत कम होती है। क्योंकि वो हमारे लिए यूजेबल तो है नहीं, लेकिन ना हम उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूनिट ऑफ फोर्स है, तो आपको उसकी क्या होगा अमाउंट इंक्रीज करनी पड़ेगी, मीन दैट यू हैव टू डू द अदर थिंग्स। डन, ओके। तो हम कहाँ पर थे? 1957 में क्या हुआ था? ईरान स्टार्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूएस। इट मीन्स यूएस वॉज helping Iran at that time. So in 2002, opposition said that Iran government is going for enrichment of uranium. ठीक है, clear? अब क्या होगा? Then USA, European Union and UN, they put a sanction on Iran. Sanction मतलब restrictions. In this, they said that you cannot trade with the international market in a US dollar. Even US dollar में हमारा trade भी तो US dollar में होता है. It means that they have to invent other ways, and ultimately this particular sanction led to or become a disaster for Iran's economy. Clear? इतना समझ आया? Now, clear? Speak to the computer. एग्जाम में आपने सीखा अराउंड 2000, ये तो चलो 2002 एक्सेप्ट है, ये तो ठीक है, बट एग्जाम में आपने डेट वगैरह ज़्यादा मेंशन नहीं करनी, आपने कैसे मेंशन कर दिया अराउंड 1950, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ एंड देन नॉलेज, ठीक है, ओके। नाउ इन 2015 नो कहता पीरियड ऑफ दिस फ्रॉम 2002 टू 2015 ईरान की इकॉनमी डिक्रीज हो, देन ईरान सेड दैट वी शुड गो फॉर एग्रीमेंट, वहाँ पर एग्रीमेंट हुआ, क्या नाम था उसका? JCPO, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, दिस वॉज अ डन बाय B5+1 परमानेंट 5 एंड देन जर्मनी 6 मेंबर। No, they said that we will remove sanction. तो यहाँ पर लगाए थे ना ईरान के ऊपर ऑलरेडी इकोनॉमिक सेंक्शन आते हैं, वी विल रिमूव सेंक्शन इफ यू रिस्ट्रिक्ट और स्टॉप यूर यूरेनियम एनरिचमेंट, ठीक है, यूरेनियम एनरिचमेंट अगर आप बंद कर दोगे देन वी विल, इट मीन्स दैट विद JCPOA इन 2015 जो एक नया एग्रीमेंट हो गया अंडर विच ईरान हैव टू डिक्रीज इट्स यूरेनियम एनरिचमेंट, वो हमने किया फ्रॉम 4% टू 90% वाज देयर, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ईरान डिस्पोज्ड द वेरियस सेंट्रीफ्यूजेस, जो हमने सेंट्रीफ्यूज यहाँ पर किए थे ना ईरान को डिस्पोज कर देंगे, राइट। So it also said that you have to enrich uranium up to 3 to 3.5%.
इससे ज़्यादा आप यूरेनियम को एनरिच नहीं कर सकते, अराउंड 3.5 पर एग्जैक्ट लिखना है, 3.6, ठीक है, क्लियर। नाउ इट मीन्स दैट इम्पैक्ट इसका क्या होगा, वन इज डिक्रीज इन यूरेनियम इनरिचमेंट इन ईरान, सेकंड इज ओपनिंग इकोनॉमी ऑफ ईरान, क्योंकि हम उन्होंने सैंक्शन रिमूव कर, इट मीन्स दैट नाउ ईरान कैन ट्रेड विद द अदर कंट्रीज, राइट, एंड एट द सेम टाइम द लॉट ऑफ फंड अराउंड $100 billion which were frozen in outer countries to go Iran to India. Now it means also that Iran can trade in a US dollar. ठीक है, तो ये इतनी क्लियर हो गया। Now अभी जो ट्रंप ने क्या किया है, ये तो लेटेस्ट है, ट्रंप सेड दैट ट्रंप अबैंडन दिस एग्रीमेंट, ट्रंप ने बोला ये एग्रीमेंट इज I am not complying with this agreement. इसके दो रीज़न दिए गए, वन इज एक तो जो ट्रंप ने दिया दैट इज ईरान इज यूजिंग फंड टू प्रमोट अ टेररिज्म इन दैट पर्टिकुलर एरिया, फंडिंग हो रही है टेररिज्म की। द सेकेंड रीज़न वॉज जो अनऑफिशियल है दैट ओबामा ने ये सेट किया था, तो दैट्स वाई द ट्रंप इज मूविंग। सो नाउ दिस मूव ऑफ अ ट्रंप opposed by country like European Union, बाकी जो France and other countries, ठीक है, they are opposing this. In the similar way, उन्होंने इन steps करके कोई एक agreement भी निकाला था that how to trade with Iran. ये clear हो गया। अभी recently क्या हुआ? US का drone shot out किया था by this IRGC, इस्लामिक में उसका group है, ठीक है? But वो हम इस पर आज इसी पर focus करते हैं। Clear? So it means that at this time there will be a more, we can say, conflict between the these P5 countries and plus one. So होगा क्या, if they complied by Trump, अगर मान लो बाकी ने भी abandon कर दिया, और ईरान ने वार्निंग क्या दी है that if the other countries will not agree with the US, के US को भी पूरा वो according to this JCPOA, अभी ये 10 साल के लिए था from 2015 to 2025, अगर ये लाइक कंप्लाई करते हैं विद दिस एग्रीमेंट तो पोजीशन ठीक है, राइट, बट ईरान ने बोला अब इफ यू आर नॉट कंप्लाइंग वी विल स्टार्ट एनरिचिंग यूरेनियम अगेन। अब ईरान के तो सारे सेंट्रीफ्यूज उड़ गए थे, अब कैसे एनरिच करेंगे, फ्यू सेंट्रीफ्यूज वर लेफ्ट। देयर इज अ वन रिपोर्ट इन द गार्डियन न्यूज़पेपर अभी रिसेंटली आई थिंक व्हिच सेज दैट फ्रॉम अ 0.7 to 20%, ठीक है, टू 4% एनरिचमेंट के लिए जितने आपको एनर्जी चाहिए दैट इज हाफ ऑफ द एनर्जी टू 90% टोटल एनर्जी की हाफ, इट मीन्स दैट यू नीड अ मोर एनर्जी एट दिस टाइम। ये तो ऑलरेडी ईरान ने कर चुका है, आफ्टर दिस ईरान वन इज नीडेड वेरी लेस एनर्जी टू रीच अ 90% एंड लेस नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूज। फॉर एग्जाम्पल 0.7% to 4%, here you need a 5000, ठीक है, centrifuge, but from the 5 to 20% you need a 1500, and from 20 to 90% you need just in a hundreds. It means that the majority of the centrifuges needed to enrich the uranium were in a starting stage, जो already हो चुकी है, from here you can enrich uranium very quickly. क्यों? Because मास ऑफ दैट पर्टिकुलर यूरेनियम विल डिक्रीज। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपकी हो रहा है टॉप हो, है ना, दैट इज द 500 kg, नाउ विद द प्योरीफिकेशन इसका मास डिक्रीज होगा, 300 हो जाएगा, एंड देन 200 डिक्रीज होगा ना विद द, क्योंकि रिफाइनिंग हो रही है। इट मीन्स दैट यू नीड अ वेरी लेस एनर्जी एट अ लेटर स्टेज विच फेवर्स ईरान, सो दैट इज अ कंसर्न। द सेकेंड थिंग इज दैट द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ओर विल ऑल्सो डिक्रीज, so it will not take a much time to enrich our uranium. So according to International Atomic Energy Agency, Iran is already enriching its uranium. Clear? So similar way, एक कार्सा एक्ट आया था, कार्सा लॉ पता है? US also किसके ऊपर था? वन इज ईरान, यूएस, रशिया एंड देन नॉर्थ कोरिया,
So, USA was saying that if any country who try to trade with these three countries, we will put a sanction on that person. So that is another move. So India ने ईरान से अब ऑयल इंपोर्ट बंद कर दिया फिर सी यूएसए सेइंग दैट यू कैन नॉट ट्रेड इन अ यूएस डॉलर तो हम रुपीज में कर रहे हैं ट्रेड अभी ईरान को कम तो कर ही दिया सेकंड इज चाबहार पोर्ट इज देयर चाबहार पोर्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन कार्सा ये उसकी एग्जांपल लिस्ट में है ये आप याद रखें क्लियर The next one is zero budget natural farming. नाम सुना है? फिर तो आता होगा. Economic survey also mention this. This is very important from a prelim as well as BS perspective. क्योंकि economic survey जो mention करेगा that is there. But before that, you...